भारतीय इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। 2 अक्टूबर साल 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनके द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलनों ने भारत को आजादी दिलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। गांधी जी ने विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ाया, इसीलिए पूरी दुनिया उन्हें अहिंसा के पुजारी के रूप में जानती है। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलनों में सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, स्वराज और नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। उनके ही नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अहिंसा के इस पुजारी की याद में प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर साल 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। अपने साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्हें काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं, जो भारत के जवानों और किसानों के श्रम को दर्शाता है। शास्त्री जी को सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।